हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ शालू यादव फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू। और आज के क्वेश्चंस करेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो स्पेशली बिहार जुडिशरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन। बाघ, पैंथर और भालू को आश्रय देने के लिए जाने जाने वाला टडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये नेशनल पार्क, ये है आपका चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे है चंद्रपुर महाराष्ट्र। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। इन द चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र लाइज द तडोबा नेशनल पार्क विच शेल्टर, कितने टाइगर्स हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड 43 टाइगर्स टिल डेट। ठीक है, द टाइगर रिजर्व इज वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व इन इंडिया विच ऑल्सो हैपन्स टू बी द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, क्या है ये, टू बी द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन स्टेट। द नेम ऑफ द नेशनल पार्क वॉज केप्ट आफ्टर द नेम ऑफ गोट टडोबा। ठीक है, हु इज वर्शिप बाय द लोकल ट्राइब्स एंड अंधेरी इज द नेम ऑफ द रिवर विच मेंडर्स बिटवीन द फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अपतानी आर द ट्राइब्स ऑफ, अपतानी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो कहाँ पे कौन सी ट्राइब है ये, ये है आपकी अरुणाचल की ट्राइब। ट्राइब्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाली और माउंटेन्स से रिलेटेड जो ट्राइब्स होती हैं, ये ट्राइब्स आपसे ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। तो ट्राइब्स आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाली तो आपको पता ही होनी चाहिए। चलिए तो क्या है, अपतानी है आपका, कहाँ की ट्राइब है आपकी, ये अरुणाचल प्रदेश की है। ऑल्सो नोन एज अपा एंड अपातानी आर द ट्राइबल्स ऑफ द पीपल लिविंग इन जीरो वैली इन द लोअर सबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुला इंडिया इज। तो कौन सी है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात की जाए तो ये है आपकी नर्मदा। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग पूछा है यहाँ पे, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग आपकी कहाँ जाके गिरती है, वेस्ट फ्लोइंग कहाँ जाके गिरती है, होपफुली आपको पता है। ठीक, चलिए, अनलाइक ईस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला लाइक नर्मदा ताप्ती, ये देख लो, ये कुछ सर्टेन रिवर्स हैं जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है, अदरवाइज सारी रिवर्स आपकी कहाँ गिरती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ईस्ट में जाके गिरती हैं, और ये कुछ लिमिटेड रिवर्स हैं जैसे नर्मदा होगी, ताप्ती होगी, ये आपकी गिरती है अरेबियन सी में जाके। ठीक है, चलिए, तो अनलाइक ईस्ट फ्लोइंग मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया, नर्मदा एंड ताप्ती आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स रनिंग पैरेलल टू विंध्यांच एंड सतपुरा एंड डू नॉट फॉर्म डेल्टा। नर्मदा इज द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया विद अ लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुमायूं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन। तो ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, देखो जितनी रिवर्स हैं उन रिवर्स के कौन कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोजेक्ट, हुमायूं प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है, ये है आपका मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय में। ठीक है, चलिए, हुमायूं लेक कॉमनली नोन एज बरापानी लेक इज अ रिजर्वियर इन द हिल 15 किलोमीटर नॉर्थ टू शिलोंग इन द स्टेट ऑफ मेघालय। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड, कौन सी रिवर पे है, कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना है, ये भी है, तो कौन सी रिवर पे बना है आपका ये। ठीक है, लेक याद रखना इस चीज़ को। डैमिंग द यूमैनी रिवर इज इन द अर्ली 1960। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है, ये मेघालय में है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी मेजर करता है, ये है आपका सोलर मीटर। ठीक है, तो कौन सा है आपका ये, सोलर मापी। चलिए, द सोलर मीटर मेजर रूटीन ग्लोबल सोलर रेडिएशन ऑन अ प्लेन और लेवल सर्फेस। इट हैज़ अ थर्मोकपल जंक्शन सेंसिंग एलिमेंट्स। द सेंसिंग एलिमेंट्स इज कोटेड विद अ हाईली स्टेबल कार्बन। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या है, इज कोटेड विद अ हाईली स्टेबल कार्बन बेस्ड ऑन नॉन ऑर्गेनिक कोटिंग विच डिलीवर एक्सीलेंट स्पेक्ट्रल अब्जॉर्प्शन एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स। चलिए नेक्स्ट है आपका, इंडियन स्टेट नोन एज गार्डन स्पाइस इज। कौन सी ऐसी भारतीय राज्य है जहाँ पे आपका स्पाइस, जिसको गार्डन स्पाइस भी बोला जाता है, तो कौन है, ऑब्वियसली कौन है आपका, केरला। और ये क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं, तो पता होना चाहिए
चलिए, केरला इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल स्टेट इन इंडिया. इट इज़ नोन फॉर इट्स सोर्सेज सम ऑफ स्पाइसेस. और कौन कौन से स्पाइसेस हैं ये आपके? पेपर, वेनीला, कार्डमन एंड क्लोव. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माहे एंड यमन आर द पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ. तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी के पार्ट हैं? ये आपके पुडुचेरी. ठीक है, पुडुचेरी है, पौंडीचेरी भी बोल देते हैं इसको. ओके, पुडुचेरी लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. द एरिया ऑफ पुडुचेरी डिस्ट्रिक्ट एंड कारिकाल डिस्ट्रिक्ट आर बाउंड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वाइल यमन डिस्ट्रिक्ट एंड माहे डिस्ट्रिक्ट आर इनक्लोज बाय द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड केरला रिस्पेक्टिवली. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन. फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ. ठीक है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे? स्थित है आपकी कच्छ की खाड़ी में. इंडियाज फर्स्ट मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क वर क्रिएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ इन 1980 एंड 82 रिस्पेक्टिवली. ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड मरीन नेशनल पार्क. चलिए इट इज़, चलिए हाँ ठीक है, 42 ट्रॉपिकल आइलैंड अलॉन्ग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट एंड द सदर्न कोस्ट ऑफ कच्छ. ओके, नाइन्थ है आपका, सिंगरेनी कोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन. तो कहाँ पे लोकेटेड है ये? आपके नर्मदा घाटी में है. सिंगरी कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ पे है ये? है आपका गोदावरी वैली में. ठीक है, कहाँ पे अवेलेबल है? गोदावरी वैली. चलिए हाँ, कोल माइंस एट मनुगुरु ऑन गोदावरी वैली कोल फील्ड इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ आदिलाबाद. ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बेसिकली आपकी माइंस अवेलेबल है, इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना. ठीक है, ओके, टेंथ है आपका, अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल एंड देयर हर्ड्स फ्रॉम वैली टू माउंटेन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज. लोगों और उनके झुंडों के घाटी से पहाड़ और इसके विपरीत के मौसम आंदोलन को किस रूप से जाना जाता है? तो किस रूप से जाना जाता है ये बोलते हैं आपके ट्रांसहुमेंस. ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसहुमेंस. चलिए ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ पेट्रोलिज्म और नोमैडिज्म, अ सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक बिटवीन फिक्स समर एंड विंटर पेस्चर. ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली नोमैड्स वगैरह, तो ये एक टाइप ऑफ नोमैड्स हैं जिनको ये नाम दिया गया. जनरली ओनली द हर्ड्स ट्रैवल विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल नेसेसरी टू टेम देम व्हाइल द मेन पॉपुलेशन स्टेज एज बेस. ठीक है, कुछ ही लोग ट्रैवल करते हैं इनके ग्रुप के और जो मेन पीपल हैं वो वहीं पर रहते हैं. इन द कॉन्ट्रैक्ट हॉरिजोंटल. ठीक है, मोर चलिए इतना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका है, पोचमठ सिंचाई इरिगेशन प्रोजेक्ट लाइज ऑन. पोचमठ सिंचाई परियोजन अवस्थित है, तो कहाँ पे है ये? है आपका गोदावरी पे. ठीक है, कहाँ पे है? गोदावरी. चलिए, द श्री राम सागर प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है. ये जितने भी रिवर्स हैं और उनके प्रोजेक्ट हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट इज एन इंडियन फ्लड फ्लो प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी. नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द रॉक फॉर्मेशन इन इंडिया इज़ द रिचेस्ट इन फॉसिल कंटेंट. तो कौन से रॉक हैं जो फॉसिल में ज़्यादा रिच हैं? भारत में कौन सी शैल संरचना जीवाश्म सामग्री में से सबसे समृद्ध है? तो कौन है? ठीक है, ये आपका गोंडवाना. ओके, चलिए, द मरीन गोंडवाना फॉसिल पार्क इज़ अ यूनिक एक्सपोजर ऑफ फॉसिल फ्रीज मरीन परमाइंड रॉक ऑफ द टालमेट फॉर्मेशन डेटिंग बैक टू अराउंड 280 टू 240 मिलियन ईयर्स अगो. चलिए, 13 है आप, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर टेक्सटाइल इज. तो कौन है? ये आपकी शुगर इंडस्ट्री. ठीक है, कपड़ा के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? चीनी. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर ब्राज़ील. ठीक है, ब्राज़ील के बाद इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर है. ठीक, चलिए, शुगर प्रोडक्शन इज नोन इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम बट मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया डेवलप इन फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी. चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, 14, द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया विच हैज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल इंडस्ट्री. तो क्या है आपका ये? भारत का वह औद्योगिक क्षेत्र जिसमें धातु उद्योग की प्रधानता है. तो किसमें है? छोटा नागपुर रीजन. ठीक है, चलिए,
दिस रीजन इज लोकेटेड ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एक्सटेंड ओवर कहाँ से कहाँ तक है छोटा नागपुर का रीजन झारखंड नॉर्दर्न उड़ीसा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ दिस रीजन इज लिंक विद द डिस्कवरीज ऑफ कोल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है यहाँ पे काफ़ी मिनरल्स आपको अवेलेबल होते हैं और पूछ भी दिया जाता है बेसिकली कौन कौन से ठीक है कोल इन दामोदर वैली आयरन ओर इन झारखंड उड़ीसा और मिनरल बेल्ट है यहाँ पे ठीक चलिए और क्या है दिस रीजन ये इंपॉर्टेंट है आपको कि रूर और इंडिया किसे बोला जाता है तो किसे बोला जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके टीटागढ़ अलमाई एंड नेपा नगर आर नोन फॉर तो ये किस लिए जाने जाते हैं ये जाने जाते हैं आपके पेपर इंडस्ट्री के लिए ठीक है चलिए 16 क्वेश्चन है आपका द हाइएस्ट ग्लेशियर लेक ऑफ इंडिया लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 17,745 फीट इन गढ़वाल हिमालय इज तो क्या है ये आपके देवताल ठीक चलिए क्या है देवताल The highest glacier lake of India is Devtal, which is located at the height of 17,745 feet AMSL in Garhwal, Himalaya. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द प्रीमियर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द कंट्री वॉज लॉन्च इन तो क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टाइगर के बारे में तो कब लॉन्च हुआ था ये हुआ था आपका 1 अप्रैल 1973 ठीक है चलिए Project Tiger is a tiger conservation program launched in 1 April 1973 by the Government of India during Prime Minister Indira Gandhi's tenure. चलिए 18 क्वेश्चन है आपका मैथोन तेलिया डैम कोना डैम पंचडैम डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर तो किसके अंडर कंस्ट्रक्ट हुई हैं ये हैं बेसिकली आपका द दामोदर वैली प्रोजेक्ट ठीक मैथन तेलिया बांध कोनार बांध पचेत बांध का निर्माण किसके अधीन किया गया था तो किसके अधीन किया गया था दामोदर घाटी परियोजना के अधीन ठीक है चलिए 19 क्वेश्चन है आपका तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट अंडरटेकिंग ऑफ तो किसकी जॉइंट अंडरटेकिंग है आपकी आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक गवर्नमेंट की ठीक है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक गवर्नमेंट It is a joint undertaking by the governments of Andhra Pradesh and Karnataka. The project comprises a dam across the Tungbhadra River near Malappuram. It is a project, power project of Gujarat equipped with power generating set manufacturing by Bharat Heavy Electric Limited. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 1990 इंडिया रेक्टिफाइड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 1977 आइडेंटिफाई फोर नेचुरल साइट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू नेमली 1990 में भारत ने 1977 के विश्व विरासत सम्मेलन की पुष्टि की जिसमें उसके सार्वभौमिक मूल्य के चार पर्यटक स्थलों की पहचान की गई तो किन किन की गई थी आप काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका या फिर सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी है या फिर आपका केवलदेव नेशनल पार्क है जो राजस्थान में है तो बेसिकली ये सब है तो क्या ठीक है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपके लिए ठीक तो ये सभी चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड इंटरैक्टिंग विद वन एंड अदर इज कॉल्ड तो क्या है एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं एक ही आवास में रहने वाली और एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने वाली विभिन्न प्रजातियों की आबादी का समूह कहलाता है तो क्या कहलाता है क्या बोला जाता है इसे यह है पारिस्थितिक समुदाय ठीक है क्या बोला जाता है इसे इकोलॉजिकल कम्युनिटी चलिए ओके ऑर्गेनिज्म लिव विद इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी विच इज डिफाइंड एज एन असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट टू डिफरेंट स्पीशीज दैट इंटरेक्ट डिफरेंटली एंड इनडायरेक्टली विद इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया 22 है आपका क्वेश्चन विच रिवर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सोरो ऑफ बिहार कौन है बंगाल कौन है तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं कौन कौन सी रिवर्स को चलिए तो यहाँ पे हमसे पूछा है बिहार के बारे में पूछा है कि सोरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है तो कौन सी है आपकी कोसी रिवर और बंगाल पूछ ले तो कौन सी रिवर है वो आप कमेंट करके बताइए फटाफट इंपॉर्टेंट है और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं The Kosi River is known as the Soro of Bihar as the annual flood affects about 21 km per square of fertile agricultural land thereby disturbing the rural economy. Basically ये बाढ़ का कारण है इस जो बाढ़ आता है बिहार में वो इसी वजह से आता है इसी के रीज़न की वजह से आता है
इस चलिए नेक्स्ट है आपका 23 एट प्रेजेंट बायोस्फीयर रिजर्व दैट आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज. वर्तमान में विश्व धरोहर में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व हैं तो कौन कौन से हैं? हाँ जी, नीलगिरी हैं आपके, या नंदा देवी हैं, या फिर सिमोलपोल नॉकरेक है, या फिर गल्फ ऑफ मनार है, या फिर आपके सुंदरबन हैं. तो अबव ऑल, ठीक है, सारे उपरोक्त सभी. चलिए अगला क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन वर क्रिएटेड. किसके लिए क्रिएट? भारतीय वानिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद की स्थापना की गई. तो किसके लिए की गई? बेसिकली आपके एलिफेंट्स के लिए, ठीक है. द एशियन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट टेरिटोरियल मैमल इन इंडिया इन एशिया विद अ मैक्सिमम सोल्जर हाइट ऑफ कितनी है? 3.2 meters. इट इज स्मॉलर देन द अफ्रीकन एलिफेंट. ओके चलिए ओके 25th क्वेश्चन है आपका 25 है. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्राइजिंग नेशनल हाईवे कनेक्ट्स. ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब आपको मैं मेन बता देती हूँ, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज़ हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, या जो इसमें देखो यहाँ से आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली से ये कहाँ गया? मुंबई गया. मुंबई से कहाँ गया? चेन्नई गया. चेन्नई से कहाँ गया? कोलकाता गया. और कोलकाता से ये आपका दिल्ली हो गया, ये आपका मुंबई हो गया, ये आपका चेन्नई हो गया, और ये आपका कोलकाता हो गया, ठीक है. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? हाँ, गोल्डन कॉरिलेटर कंप्राइजिंग नेशनल हाईवे कनेक्ट, तो किसको कनेक्ट करता है? ये आपका विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को, ठीक. चलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटर कंप्राइजिंग, देखो, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, बाय 6 lane ऊपर हाईवे. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सेलन, इट वॉज मेड द कॉर्पोरेट एंटिटी ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इन अप्रैल 1982. ठीक, तो ये आज के आपके 25 क्वेश्चंस थे. प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम बहुत पास आ रहा है. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास.